ये हमारे माननीय सालसा के मासिक कार्य योजना का एक भाग है, इस तरह का लीगल अवेयरनेस चलाना। ये मेनली ADR मैकेनिज्म, उसमें भी स्पेशली जो है वो लोक अदालत और मीडिएशन को लेकर के विधिक साक्षरता और विधिक जागरूकता फैलाने के लिए था। और इसमें माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण अधिनियम को लेकर के भी उनके अधिकारों के बारे में, जैसे कि वहाँ पर ट्रिब्यूनल में अधिवक्ता की उपस्थिति बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, उनके बिना वहाँ पर कार्यवाही की जा सकती, ये सारा मैटर भी उठा करके बताया गया, आम जन तक ये बात पहुँचे। उसके साथ ही साथ प्ली बार्गेनिंग पर कि कैसे क्रिमिनल मैटर्स में कैसे कैसे इस तरह का अपना करके, और एक लंबी कानूनी प्रक्रिया जो चलती है क्रिमिनल मामले में भी, उससे निजात पाया जा सकता है। अगर वो अपने को अपराधी मान रहा है कोई भी अभियुक्त, तो मिनिमम अगर उस मैटर में सजा का प्राविधान है तो उसके आधे से, और उस मैटर में मैक्सिमम का अगर प्राविधान है, जहाँ पर मिनिमम नहीं है तो मैक्सिमम के 1/4 से वो इस तरह का समझौता कर सकता है। और इस तरह के मैटर में जो फैसला होते हैं, जो जजमेंट होते हैं, उस पर सारे लोगों के जो वहाँ पर उस बैठक में भाग लिए होते हैं, हस्ताक्षर किए जाते हैं, और उसको फाइनल समझा जाता है, उसकी कोई अपील नहीं होती है। तो इस तरह का जो मैटर प्री बार्गेनिंग बहुत कम लोगों के नॉलेज में है, इसलिए इसको भी, इसमें भी हम अवेयर करने के लिए इस माननीय सालसा के निर्देश के लिए यहाँ पर आए हुए थे। कितना लाभ इस कार्यक्रम का मिलेगा? मुझे लगता है कि बहुत लाभ मिलने वाला है। और जिस तरह की यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आए हुए थे और अपने प्रश्नों को रखा, लोग सामने आए, अपनी व्यथा को सुनाए, और इसमें उनकी क्या सहायता हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से हो सकती है, इसको उन्होंने जाना। तो मुझे लगता है कि 50-60% तो मैं सफल अपने को मान रही हूँ कि इससे सफलता मिलेगी। अभी भी कुछ लोग कार्यक्रम में जो नहीं आ पाए, उनके लिए क्या अपील रहेगी मैम इस कार्यक्रम को लेकर? बिल्कुल, मैं उनसे यही अपील करना चाहूँगी कि हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण की तरफ से जो लोक अदालतों का आयोजन किया जा रहा है, और प्ली बार्गेनिंग के बारे में जो हमने बताया, उसके माध्यम से भी उनके क्रिमिनल मामलों का समझौता किया जा सकता है और एक फाइनल जजमेंट तक पहुंचा जा सकता है। मीडिएशन के थ्रू वो आकर के अपने मामले को हमारे विधिक सेवा प्राधिकरण के मीडिएशन सेंटर से इसका लाभ ले सकते हैं। और भरण पोषण अधिनियम जो स्पेशली माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 2007 का है, इसका भी लाभ आम जन जो कि अपने बच्चों से, अपने परिवार से इस तरह पीड़ित है, वरिष्ठ नागरिक है, माता पिता है, वो इस न्यायाधिकरण में आके बिना वकील के अपने मैटर को रख के लाभान्वित हो सकते हैं।